18 वर्षीय बच्चे पर धारदार हथियार से किया गया जानलेवा हमला। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर हलिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा तीता पटपरा में 18 वर्षीय रोहित मौर्य पुत्र रमेश मौर्य 12 अप्रैल 2021 लगभग शाम 8 बजे रोहित मौर्य सांझ के लिए सिवान में गया था। उसी समय दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पकड़कर हाथ पैर और मुंह को बांध दिया और नशीला पदार्थ दे दिया, जिससे रोहित बेहोश हो गया। उसी समय लेकर भागना चाहे तभी रोहित का छोटा भाई देख लिया, फिर अज्ञात बदमाशों ने उसके बॉडी को फेंक कर भाग गए, जो कि हाथ में धारदार हथियार से वार भी किया गया है। यह घटना शाम 8 से 9 बजे के बीच की है। जैसे कि 10 अप्रैल 2021 को सुबह 7:30 बजे साइकिल से नदी के किनारे शौच करने के लिए गया 13 वर्षीय दीपक कुमार के साथ घटना हुई थी। ठीक उसी प्रकार दोबारा ये घटना हो गई, लेकिन ग्रामीणों द्वारा इस बात की जानकारी क्षेत्रीय पुलिस को दे दी गई, तो पुलिस का कहना है कि ये लड़का घटना अपने आप किया है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ली। तो ग्रामीण एवं परिवार की मदद से रोहित को अपने निजी साधन द्वारा हलिया स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों द्वारा रोहित मौर्य का इलाज किया गया, फिर भी मिर्जापुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लोगों द्वारा इस बात की जानकारी मिली है कि रोहित मौर्य की हालत ठीक बताई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हलिया थाने की पुलिस इस बात को इग्नोर कर रही है, इसलिए अपराधियों का हिम्मत प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट।